देखिए मुख्य तौर पे जो नूह का जो हमारा कस्बा है वो और एक नलहर जो मंदिर है वो मेन हमारा जो एरिया था जो इफेक्टेड था। हमारे साइबर थाने पे अटैक हुआ है, बड़गली चौक पर काफी नुकसान हुआ है, अडवर चौक के लेफ्ट राइट अडवर चौक के तीन चार पॉइंट थे प्लस नलहर मंदिर, ये हमारा मेनली एरिया थे जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में आगजनी और पथराव और गोलीबारी की घटनाएं हुई है। और मैम नूह के अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह हैं इसके बाहर जो है? नहीं, बाहर जो है ज्यादा कोई बड़ी कोई विशेष घटना मतलब इतने बड़े स्केल की कहीं से कोई ऐसी इनपुट थी, छोटी मोटी घटनाएं हैं जिनमें एफ आई आर करके कार्रवाई की जा रही है। मैम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, अभी तक क्या आंकड़ा पहुँचा है एफ आई आर का कुछ अगर आपके पास? देखिए आंकड़ा एफ आई आर का समय से बदलता रहता है, तो आज जब मैं आपसे इस वक्त में बात कर रही हूँ इस वक्त कितना आंकड़ा है मैं कह नहीं पाऊंगी क्योंकि वो अपडेट लगातार हम ले रहे हैं, कंप्लेंटें आ रही हैं, हम एफ आई आर रजिस्टर करते जा रहे हैं। इसके अलावा हम अगर हम अरेस्टिंग की बात करें तो कितने लोगों के अरेस्टिंग डिटेन किया है आप लोगों ने? काफी भारी संख्या में हमने डिटेन किया हुआ है परंतु एग्जैक्ट फिगर इस समय मेरे पास नहीं है। और अगर हम इंजर्ड और कैजुअलिटीज की बात करें तो क्या क्या आंकड़ा रहा उसका? इस वक्त टोटल जो एमएलआर हमें रिसीव हुई थी 47 हुई है और तीन इसमें एमएलआर मतलब इंजर्ड जो होता है वो 47 है, तीन कैजुअलिटी है, दो हमारे होमगार्ड के जवान शहीद हुए हैं और एक सिविलियन की इसमें डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली। मैम इसके अलावा कई सारी वीडियोस और सीसीटीवीज भी सोशल मीडिया पर और लोग व्हाट्सएप पे शेयर वगैरह कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से ध्यान में रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है कि उसमें से पहचान हो सके और आरोपियों तक? हमने सबसे अपील की है और हम सोशल मीडिया मॉनिटर भी कर रहे हैं कि जो भी सीसीटीवी फुटेज या वीडियो या कोई भी क्लिप जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें मदद कर सकती है, और यहाँ मैं यह भी अपील करूंगी आपके माध्यम से कि अगर किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन है जो इन दंगाइयों को पहचानने में या इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में हमारी मदद कर सकती है तो आप जरूर हमसे शेयर करें। साथ ही साथ मैं यह भी आग्रह करूंगी कि इस वक्त हो सकता है तरह तरह की अफवाहें उड़े, अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, हरियाणा पुलिस पूरी तरह सक्षम है आपकी रक्षा करने के लिए, आपके साथ खड़ी है और आप किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दे करके बल्कि अफवाह फैलाने वालों को हमें बताएं ताकि उनको चिन्हित करके हम उनको इस ऐसी हरकत करने से रोक सकें। एक सवाल यह है कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या वो पॉइंट था, क्या वो वजह थी, क्या अब तक? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है और इस स्टेज पर कुछ भी विश्लेषण कह के कुछ भी कहना स्पेसिफिक तौर पर ये प्रीमेच्योर हो जाएगा।